गोबर ये है जो मैं आप यहाँ लू रहे ना, आप तो अनुमान कैसे मैं तो अनुमान नहीं, हमें भी तो आइडिया दो सर, हम भी लगाएंगे अनुमान। और ये आपका है लगभग 15 दिन पुराना, कितना? ये 15 दिन पुराना गोबर है। अब देखो ऊपर से सूख गया लेकिन नीचे से कैसा निकल रहा है, ये एक महीने तक ऐसा ही दिखेगा, एक महीने तक ऐसे ही दिखेगा, लेकिन बाद में देखिए इस प्रकार से काला काला होना स्टार्ट हो जाएगा, ये डीकम्पोज होना स्टार्ट। अब आप इसमें देखो मिट्टी, देखो इसमें मिट्टी का आपको एक दाना नहीं मिलेगा, ये पक्का फर्श का है। आप देखो ऊपर से कहीं से देख लो, इसमें ये कीड़े हैं ये कोई दिक्कत नहीं करेंगे, कैंचों की गारंटीड है। ये गोबर में ऑटोमेटिक पैदा होते हैं, जैसे ही इसको बेड में डालेंगे लेकिन मैंने कहा कि इनके सामने पेड़ लगे दिखाएंगे तो इसको रखो। सर आइडिया कैसे होगा कि अब हमें इसको बेड पर डालना है, बिल्कुल परफेक्ट? बस आइडिया यही है इसका, देखो कलर ये होना चाहिए और इसको हाथ लगाओ, ठंडा है कि नहीं, बस तो फिर यही तो आइडिया होना चाहिए, ये रंग का होना चाहिए और ठंडा होना चाहिए। वीडियो बनाओ, मेरी बात चैनल बनाओ। देखो कुल मिला के देखो, अब एक बात करो, मैंने लगा रखा है, मैंने उपले बनाए हुए हैं। एक तो स्क्वाद लगाओ, मेरी नानी जहाँ पर गोबर गिरा होता था जा उठा कर लेकर उपले बना, उपले बना देती, उसको लगाओ आगे, हाथ लगाओ अंदर 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 आ रहे, तो एक तो ही साथ में लो, ये लो यार, दोनों हाथ में लो, दोनों हाथ में लो ना, पता लगेगा। अरे ये हाथ में लो एक यार, अब दोनों में गर्म कौन सा है? तो वो कल परसों का आया है और ये 10 दिन पुराना है, तो ये क्या हो गया? ठंडा हो गया। इसको पानी, ये भी मेरे ख्याल से यूज हो सकता है, नहीं आपके हिसाब से यूज हो सकता है, मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ऐसे ठंडा होना चाहिए। सर तो इसमें से मीथेन निकल चुकी है। अब वो एक जने थे, कौन सर थे वो मास्टर जी, कि डेयरी बनानी है, फैलाना है, इस प्रकार से फैलाना है, तो इस पे पानी का अपन को डेली छिड़काव करना है, जिससे इसकी पूरी गर्मी निकल जाएगी। और ये फैलेगा कैसे इसके ऊपर चढ़ के? ट्रॉली खाली होगी ना, ऑटोमेटिक हो जाता है, तो अच्छा वो ट्रॉली जब ऐसे करके पीछे आगे पीछे करेंगे, ये कल ट्रॉली इस प्रकार से ही होती है खाली, पानी का छिड़काव कितना करना है, इससे भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर सकते हो, पर ऐसे तो कोई बड़ी बात नहीं है। पानी स्प्रे करना है, पानी कितना डालना है, हाथ धो लो, पानी कितना डालना है वो देख लो आप आराम से, कितना डालना है, कितने दिन डालना है वो बता, वो नीचे बस और सर ये पता कैसे लगेगा कि पानी की जरूरत है? वो लगा सकते हैं, वो सब मैं क्या कह रहा हूं, सब अच्छा डलेगा बेहतर जी, मैं कह रहा हूं सब लगा सकते हैं, ये नलकी तो मैंने बहुत छोटी लगा रखी है, नलकी वो मोटी वाली नहीं, इसमें अपन पाइप से डालते हैं पानी, पानी की जरूरत है, ये कैसे पता लगेगा इसमें पानी की जरूरत है? मैडम इसको पता नहीं है पानी की, ये है कि इसको अपन को इसमें गर्मी निकालनी है, तो इसलिए इसको ठंडा करना है, अपन को पानी डालना ही है, और इसमें पानी इतना डालना है कि इसके पेट में इधर से पानी बहकर बाहर नहीं आए, अगर सोख रहा है ना, इसको अपन को कम से कम से इतनी ये पानी इतना चल रहा है ना, तो आधा घंटे से पानी डालना, यदि पानी इसकी प्रेशर मोटा है तो आपको 5 मिनट काम उस कब से हां जी हां जी समरसीबल वाला काम, नीचे कुछ नहीं बिछाना है, अरे ये पन्नी बिछा के फिर इतने भी छना ही नहीं, उसमें क्या होता है ठंडा थोड़ा धीरे होता है, फिर गर्मी नीचे भी जाएगी, वो प्लास्टिक गर्मी माटी में भी ट्रांसफर होगी, ऊपर भी ट्रांसफर, प्लास्टिक है और बाद में अपन को न्यूट्रिएंट्स स्टोर करने के लिए बाहर नहीं चाहिए, इधर तो ओनली जो है पन्नी नीचे भी निकल पे मिट्टी में, अरे इसके नीचे प्लास्टिक नहीं, मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो सर, चलिए लंबो ले आइए, एक जगह बार बार गोबर डालेंगे, बार बार डालेंगे तो वो फिर वो मिट्टी देखो उधर देखो, अब वो पक्का जैसा ही हो गया, वहाँ वो मिट्टी नीचे दब गई, अब वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, नीचे का एक इंच नए ताजा जब करेंगे तो उसके ऊपर तो प्लास्टिक का बिछाना पड़ेगा नीचे, यार मैं क्या करूँ, अभी आप एक ऐसे खाली करोगे, एक प्लास्टिक भी खाली करो, कीट दोनों तरफ ट्रांसफर होती है, नीचे भी ट्रांसफर होती है और ऊपर भी, तो अपन चाहते हैं नीचे जल्दी से जल्दी दोनों तरफ ट्रांसफर हो, आगे चलते हैं, पक्की जमीन पे नहीं कर सकते, मतलब पक्की में तो बहुत अच्छी बात है भाई, प्लास्टिक नहीं होनी चाहिए, हमारे पास का इतना अभी है नहीं, अब मैं इसके अंदर से प्लेटफॉर्म बढ़ाऊंगा, इसको जितना छाया में खाली करूंगा उतना ही बढ़िया रहेगा, ठंडा बनेगा उतना जल्दी ठंडा होगा, तो इसलिए कोई पेड़ हो कोई छाया हो ना जगह वहां इसको, देखो मेरे पौधे देखो, ये 7 मई की कटिंग है, इतनी जबरदस्त सी ग्रोथ है ना, इस बार एक पौधे से लगभग 50 से 60 किलो पर लगेंगे, अच्छा। ये किसकी है, वो है एप्पल बेर, एप्पल बेर, अब आप देखिए
ये मेरे पास वो उधर वाला सिस्टम था पहले, उसमें लगभग 150 बेड थी, ठीक है, जो आप देख पा रहे हैं उधर। उसकी मेरी पूरी हार्वेस्टिंग होगी, मेरा पूरा माल सेल हो चुका है। कैसे मेरे फुल जाते हैं, वर्मी कंपोस्ट मेरा फुल जाता है। अब मैंने अभी ये 10 दिन पहले ही इधर बेड लगाई है। इसमें मैं क्या सोच रहा हूँ कि अभी क्या मौसम ठंडा हो गया, अब मैं इसमें छाया करने का था, लेकिन अब इसमें छाया करने वाला हूँ मैं इसके ऊपर। तो छाया अपन को दो चीज़ें याद रखो, छाया और फर्श हमेशा हमको चाहिए ही चाहिए। छाया के लिए देखो ये जो पूरा स्ट्रक्चर ना आपके सामने दिख रहा है, ग्रीन शेड वाला, इसमें मैंने 23,000 रखा है, जिसमें 23,500 हेलो हेलो देखो प्रॉब्लम सब में आएगी, देखो ऐसा भी प्रॉब्लम सब में आएगी, कहीं कहीं ज्यादा आती है सर। इसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है और में ज्यादा वो आती है। इसमें देखो पैसों की कोई दिक्कत नहीं है भाई, गोबर के पैसे लग रहे हैं, केंचू के एक बार लग रहे हैं, बाद में आपके कुछ पैसे। और देखो ऊपर ये बोरी डालनी है, ये जरूरी है बोरी, ये बोरी डालनी है, पराली नहीं डालनी। लोग कहते हैं पंजाब हरियाणा के अंदर जो होती है ना अपने चावल की जो भूसा बचता है वो पराली डालते हैं, लेकिन वो पराली में एक समस्या आती है कि एक तो देखो बोरी जिस प्रकार से ढके रहती है ना, उस पराली में सनलाइट ज्यादा जाती है, जाती है, इसलिए नमी जल्दी छंट जाती है और तापमान अंदर बढ़ता है, पहली बात हुई। और पूरा तरह से अंधेरा नहीं कर पाती है, ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात ये हो गई कि वो चारा है, वो क्या है, चारा है। तो जब उसको हटाओगे तो उसके छिलके गिर जाएंगे खूब सारे, और जब छाणोगे ना उसको, छाणोगे तो उसे फाइनल जो वर्मी कंपोस्ट है उसमें उस सारे के छिनके क्वालिटी में अंतर, बात समझ रहे। इस प्रकार से अपन को वो पराली कभी यूज नहीं लेनी है। पराली को आप सड़ाओ किसी खड्डे में डालकर, मैं ये नहीं कह रहा पराली को जलाओ, पराली को आप किसी खड्डे में डालकर उस पर वेस्ट डिकम्पोजर डाल के उसे सड़ाओ, उसे खाद बनाओ। लेकिन इसके ऊपर बोरी ढकने का फायदा है क्योंकि अंधेरा होता है और केंचुए जितना अंधेरा होगा ना उतना ही एक्टिवेट होंगे। लेकिन अपन को मैं कह रहा हूँ उनका कोई इम्पोर्टेंस रोल नहीं है, वो खर्चे के वो क्या सब जाने के लिए, वो कैसे अपनी यूनिट को अच्छी दिखाने के लिए। देखो यार क्या सिस्टमेटिक है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा बरसात में जैसे पानी, मैं दो चीजें पानी की एक्सेस हो जाए तो पहले तो जैसे बारी बारिश होगी तो ऊपर प्लास्टिक, जितनी प्लास्टिक नीचे बता रहे उतनी क्या बता दो, ऊपर बिछा दो। और जैसे ही बरसात हमें तो दो आदमी एक इधर से एक उधर से पकड़ के वॉल बंद कर, जैसे आए तो जैसे चला दिया गया। ये पीछे देखो एक बार आप, इधर आ जाओ, ये अभी क्या इसको आज लगा, इसको दोनों साइड से बांधना पड़ेगा, थोड़ी ढीली है ना, तो वहां से यहाँ से इसको बिल्कुल से टाइट रखेंगे ना ऐसे, तो उधर पकड़ना रे, कौन सा भाई ये है क्या, उधर पकड़ना आ गया जी, किसी लकड़ी से यहाँ डाल दो, इस लकड़ी से यहाँ बांध दो ना रस्सी से, उधर पकड़ना खींच इसको टाइट कर, सीधी हो गई बिल्कुल। अब इस प्रकार इसको रखना है तो लगभग 15-20 मिनट चला दो इसको, तो 20 मिनट में इसमें आराम से जितनी नमी होनी चाहिए ना, तो मैं मेरे जिसे को नमी हो रही है उस प्रकार से 20 मिनट में आराम से अंदर नमी हो जाएगी, इस सब पे कवर कर जाएगा। ये आप उधर भी साइड लगाना पड़ेगा, दो या तीन साइड, इसको पकड़ो इसका पानी देखो सीधे पकड़ो, इसका पानी वही हाथ तक आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, उसका भी इधर आ जाएगा, उसका भी इधर आ जाएगा, इस प्रकार से पूरा कवर हो जाएगा। ये सिस्टम में ये कि आदमी की जरूरत नहीं है, इसमें आदमी भाई एक बेड पे 10 मिनट लगती है आदमी को अंदर, वो 100 बेड को देने में शाम हो जाती है उसको, मेरे 500 तो गए घाटे में। इसका खर्चा कितना आता है, इसका 4,000 रुपये मात्र, कितने बेड का, ये 100 बेड का। अच्छा बस कौन से जैन सिंचाई वाला, ये तो खुद ही लाके लगा दो, किसी सिंचाई की जरूरत ही नहीं है। देखो इधर देखो एक नलकी आ रही है, नलकी आ रही है, ये मेन पाइप आ रहा है, ये कैसे लगाया है, ये मेन पाइप आ रहा है, से छेद निकालो इसको, टूल किट देगा वो, टूल किट आता है इसका। अब देखो सामने, अब आपको बेड कैसे बनानी है, बेड की चौड़ाई रहेगी 4 फीट, कितनी 4 फीट, ऊंचाई रहेगी 1.5 फीट, याद रखिएगा ऊंचाई कभी 1.5 फीट से ज्यादा कभी लेनी नहीं है। नीचे कुछ नहीं लगाना, खाली प्लास्टिक पन्नी, इसी का गोबर बस, प्लास्टिक की पन्नी इसलिए बिछा दी, ये न्यूट्रिएंट्स आए ना, न्यूट्रिएंट्स, ये नीचे नहीं जाएगा, ये अच्छा ये नीचे नहीं जाएगा, हमें इतना पानी डालना है कि ये पानी नहीं निकल के आए, ये वर्मी वॉश की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें ये वर्मी वॉश इस तरह से नहीं निकालना, ये हम वर्मी वॉश नहीं निकाल रहे, ये हम वर्मी कंपोस्ट वॉश निकाल रहे हैं।
भाई वर्मी कंपोस्ट का वास निकालेंगे तो इसमें क्या क्वालिटी बची? सही बात है, उसका जो न्यूट्रिएंट तो हमें वर्मी वास मतलब वर्म्स का वास, केंचुए का वास, किसका वास? तो केंचुए का वास निकालने के लिए मेरे पास दूसरी विधि है, सिर्फ हमें केंचुए का पानी निकालना है या हम पूरी खाद का पानी निकाल रहे हैं? तो आपको पानी उतना ही देना है कि पानी आपका बाहर नहीं आए। बात क्लियर समझ में? ज्यादा हो गया पानी, ये ज्यादा हो गया। लंबाई 20 से 30 फीट हो सकती है। किसकी लंबाई? 100 फीट, 500 फीट भी रख सकते हैं। चौड़ाई 4 फीट रहता है और ऊंचाई आपकी 1.5 फीट से ज्यादा नहीं रहनी है। ऊंचाई क्यों नहीं होनी है ध्यान समझो, क्योंकि ये केंचुआ 1.5 फीट से ज्यादा नीचे नहीं जाता है, 1.5 फीट से नीचे तक खाता ही नहीं है। इसलिए जैसा आप डालोगे ना खाद नीचे, वो वैसे वैसे रहेगा। बात समझ में आ रही? तो आपको इस प्रकार से बेड बनानी है, इस एक बेड पे लगभग आपको जितनी लंबाई हो उसका आधा केंचुआ डालोगे मेरे से लोगे तो, और आप कहीं से लोगे तो वो आपको जितना क्वांटिटी देगा उस हिसाब से आपको डालना पड़ेगा। बात क्लियर समझ में आ रही? जैसे मान लो हम कारवार में ले जाना चाहें तो कैसे? मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, चेन्नई, गुजरात, जयपुर सब जगह भेजता हूँ। मेरा पूरा ऑल इंडिया जाता है। देखो ध्यान रखिएगा, आपके घर पे मंगाओगे तो मैं नहीं भेजूंगा, मैं भेजूंगा जैसे आप जयपुर हो, अब जयपुर में कहीं हो, मैं बोलूंगा आपको उस बस स्टैंड पे जाना है, उस ट्रेवल्स पे जाना है, वहाँ से उतारना है, वहाँ से लेकर जाना है बस। बस पर जाते हो? वो बस का जो चार्ज लगेगा 400-500 वो आपका लगेगा। और आप यदि यहाँ से लेके जाते हो तो मेरे हिसाब से वो सबसे बेस्ट, सबसे बड़ा यही है। उसका एक कारण समझो, आप गाड़ी लेके आयो, आप गाड़ी लेके आयो 2 मिनट के लिए, गाड़ी नहीं लेके आयो तो भी आप आयो, एक तो आपकी आंखों के सामने दे जाएगा, तो आपको एक बिलीव रहेगा कि रियल में जो चीज है वो चीज दे रहा हूं। मैं यदि कितना ही भेज दूं आप तो क्या बोलोगे, अरे साला इसने तो क्या भेज दिया, कम भेज दिया। ये ह्यूमन नेचर होती है, मैं आपको कितना ही कर लो ह्यूमन नेचर होती है। तो आप यहाँ लेके जाओगे सबसे बेस्ट, पहला बात। दूसरा बात, दूसरा बात कि ट्रेवल्स वाला सो कैसे फेंक रहा है भाई, जीव है ना, तो वो कैसे फेंक रहा है, कैसे हैंडल कर रहा है वो तो वही जाने। मैंने मेरी तरफ से पूरा सही किया, बीच में उसने कर दिया, आप तो गाड़ी किसको निकालोगे मेरे। तो मैं जितना हो सकता है मैं किसान को ये कहता हूँ कि प्लीज आप यहाँ आइए, आप चाहे 2 किलो लो चाहे 100 किलो लो, मेरे कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से लेके जाइए। लेकिन पंजाब वाला यहाँ नहीं आता था इसलिए मैं उसको भिजवाता हूँ। कैसे? कैरेट आते हैं प्लास्टिक कैरेट, तो सबसे पहले कपड़े की थैली आती, थैली तो अपने यहाँ नहीं चलती, उदयपुर में चलती है एकमात्र कपड़े की थैली, वो उधर ही आ गया ना बेल्ट, जी आप उधर रहे हो तो वहाँ कपड़े की थैली चलती है, उसमें आप डालो तो एरेसिन रहेगी, उसमें क्या रहेगी? अच्छा। और फिर प्लास्टिक की कैरेट में उसको डाल दो थैली को, ध्यान रखो थैली के ऊपर थैली नहीं रखनी, थैली के ऊपर थैली रखोगे तो नीचे वाले थैली के पूरे कैसे मर जाएंगे। हाँ मतलब वो सही बात, मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने करके देखा और मेरे साथ ऐसा हुआ। नहीं नहीं प्रैक्टिकली एक किसान के उपवास में जाते, मैंने उसे एक कैरेट में 2 थैली रख दी ऊपर नीचे, भाई 2 थैली को आप अलग अलग रख दो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपर नीचे रख दी ना तो नीचे वाली थैली के पूरे कैरेट सड़ जाएंगे। वो कैरेट थोड़ी भरते हैं, वो तो गोबर भरते हैं, वो जो आप बोल रहे 20 किलो 30 किलो सीधा भरते हैं वो। नहीं नहीं जैसे थैली में अपन भरा कपड़े की, हाँ। तो वो कपड़े की थैली में क्वांटिटी क्या रखनी है? 10 किलो 10 किलो एक थैली में 10 किलो रखनी है। इस प्रकार 2 थैली रखो और उस एक कैरेट में इतनी लंबाई, तो 2 थैली आराम से आती है उसमें, और तो ही केंचुए को डैमेज नहीं होता है। वो लगभग 3-4 दिन तक आपको सफिशेंट सफर कर सकते हैं। वो नमी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि उसमें पानी निकल रहा है, क्योंकि पानी और नमी ज़्यादा रहेगी तो उसमें डेले बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, ऐसे भुरभुरा होना चाहिए। ऐसे इसमें केंचुए होना चाहिए, तो वो काम मैं भी आपको दिखाऊंगा। कैंची मैंने अलग करा रखे, लगभग 600 किलो अलग करा रखे, मैं दिखाऊंगा कैसे होना चाहिए, किस प्रकार से देना चाहिए, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए। तो आप देखो ऐसी बेड बनाओगे, वो गोबर का ठंडा कर दिया, इस प्रकार से बेड बनाओ, फिर आप 3 दिन इसके ऊपर पानी डालो बिना बोरी वोरी कुछ रखे बिना, कितने दिन? तो इसकी हीट और निकल जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी हीट और 3 दिन तक डालना है बिना बोरी कुछ भी, हाँ पानी डालना है उतना ही पानी। और फिर शाम के समय चौथे दिन शाम के समय प्रति बेड के साथ जितनी लंबाई उसके आधे कैंचे उसके ऊपर कैंचे कैसे डाले जाते हैं मैं बताऊंगा। एक तगारी में कैंचे लेके अब आके पूरी तरह, हाँ ऐसे मतलब बोरीज को उगाड़ना अपन को, मैं इस पर डबल कर देता हूँ कैंचे, कोई दिक्कत की बात है। अब सर हमें अंदाजा कैसे होगा कि ये इस लंबाई के नाप के आधे कैंचे हैं?
आपको अंदाजा कैसे होगी इस लंबाई के आधे कैंची हुए? मुझे पता है ना, आप जितना लंबाई बताओगे उतनी साफ मैं कैंची भेजूंगा, क्योंकि मेरा एक किलो का मतलब है, मैं 15 किलो दूंगा ना, आपने मुझे 30 फीट की लंबाई बताई ना, तो मैं कहूँगा आप उसमें 15 किलो डालो से पीछे। 10 किलो आप एक थैली में बता रहे हो, तो मतलब 1.5 थैली में हमें एक बैग में डालनी है। हाँ जी, ज्यादा तो कोई दिक्कत नहीं, 30 में आपको 15 किलो, 15 किलो आप 1.5 छोड़ो, 15 किलो कितने डालने पड़ोगे? जितनी लेंथ है उससे आधे। हाँ, लोग आपको क्या कहते हैं कि जितनी लंबाई उतनी बराबर, वो क्या करते हैं बेटे, इस पर का जो कैंच देने का तरीके से आपको उस पर आता हूँ मैं, अभी क्या सीक्वेंस कर रहा हूँ, मुझे उसी हिसाब चलने दो। गोबर डाला, 3 दिन ठंडा किया, फिर उसके ऊपर आपको 15 किलो कैंच छोड़ना, 30 फीट की लंबाई, यानी 10 दिन वहाँ ठंडा किया, उसके बाद 3 दिन यहाँ ठंडा करना है। अच्छा। फिर कैंच छोड़ना है, ठीक है सर। कैंच छोड़ने के बाद में उसके ऊपर 5 मिनट बाद में कैंच पूरे अंदर चल जाएगी, 5 मिनट। जैसे अभी मैंने इसको किया, ये कैंच कहाँ जा रहे हैं? अंदर की तरफ जा रहे हैं, उनको धूप बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अंदर गए और आप उस पर फिर पानी डालोगे बिना बोले रखे, फिर तो जैसे नमी होगी उनको ठंडा फील होगा, तो और अंदर जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? और फिर बोरी को गीली करना है, पहले बाहर क्या करना है, बाहर तब के अंदर गीली करना है, और फिर इसको इसको ढक देना है। इधर ला बेटा, जैसे ये, तो आपको सिंपल सा जो क्या करना है, इस पर दिख रहा है इसका जो बंच, देखो बंच बन जाते हैं, बंच बन, समझ रहे हो, इनको फैला दे फिर देखो गुच्छे बन जाते हैं, ये अपने आप चले जाएंगे नीचे। अब आप अभी 5 मिनट उनको ऊपर कर दें, अब 5 मिनट खड़े रहेंगे यहाँ पे, 5 मिनट में आपको एक कैंचो भी आने दिखेगा, क्योंकि इनको धूप नहीं, देखो कितने, देखो फास्ट एक्टिव, देखो अब देखो आपको दिख रहे होंगे कैसे एक्टिव हो रहे, देखो सीधे अंदर जा रहे हैं। ये कितने किलो के छुए थे? होंगे 3-4 किलो, घबराओ मत, मेरे 1 किलो में, मेरे 1 किलो में 1500 कैंचे होंगे तो होंगे ही, ये श्योरिटी है। ये मैं एस्टीमेट देख रहा हूँ कितने लगेंगे, एस्टीमेट देखने की जरूरत नहीं है, मैंने कह दिया ना आपको। सर एक क्वेश्चन मेरा, यहाँ पर हमने कैंचे डाले, वर्मी कंपोस्ट बन गई 2 महीने बाद 2.5 महीने बाद, उसको कैसे उतारे? नहीं, मान लीजिए अभी तक हमारे पास जब ये बेड बढ़ जाएंगे, तब अभी हमारे पास गोबर की सप्लाई नहीं आई है, तो ये अपने ही कंपोस्ट में कितने दिन तक जीते रह सकते हैं? 3 महीने तक। अच्छा, 3 महीने, लेकिन इनकी साइज क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, मतलब अभी मोटे हैं, जब खाने के लिए नहीं मिलेगा तो ये बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में चल जाएंगे। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कंडीशन, मतलब ये जो आपने अभी, मैं भी वो कंडीशन आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर जो 3.5 महीने का चल रहा है, उसका खाद ऊपर से उतार लिया, तो कैसे क्या स्थिति हो रही है? लेकिन उसमें पानी तो लगाना पड़ेगा ना, पानी तो लगाते हैं, नमी तो देनी ही पड़ेगी, नमी तो रखनी है, नमी 40% कैंची को जिंदा रहने के लिए चाहिए। अब आप देखिए, खाने को नहीं मिलेगा तो बाकी अपनी अपनी कंपोस्ट में वो बिना गोबर दिए 3 महीने तक मतलब ऐसे बस पानी डालते रहेगा, उससे वो न्यूट्रिएंट्स लेता रहेगा और 3 महीने तक रहेगा, लेकिन उसकी साइज बेचारी कितनी, इतनी साइज है ना, वो इतनी साइज हो जाएगा, तो फिर वो ग्रो कर सकता है, उसको फ्रेश फूड मिलेगा, तो बिल्कुल, मतलब वही तो आपका क्वेश्चन था, वही लेके जाऊंगा, वो करेगा 3 दिन में वापस वही साइज की, उसी बराबर बड़ी साइज हो जाएगी उसकी। अब देखो आपके पूरे के पूरे कैंचे कहाँ चले गए? गायब है, नीचे गए, चले गए, चले गए। अब इसको आप ढक देंगे और 60 दिन तक, कितने दिन तक? 60 दिन तक आपको इस बोरी के ऊपर इसी प्रकार से पानी डालना है, नमी रखनी है 60 दिन तक, गर्मियों में प्रतिदिन डालना है और सर्दियों में हमें 2 दिन छोड़ के 3rd दिन डालना है, ये याद रखना। 60 दिन में इसको छेड़ कुछ नहीं करना, कैच अपने आप ऊपर से खाते में नीचे जाता है, आपको इसको डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं। गर्मी में जो रोज देना है वो सुबह शाम दोनों टाइम देना है? नहीं, एक दिन आप उसको दोनों टाइम से कोई सा टाइम डाल दो, जिस दिन ज्यादा गर्मी हो उस दिन दोनों टाइम भी डाल दो, क्योंकि इसको इतनी गर्मी लगती है ना, जितना नमी होगा उतना ही शानदार होगा। 60 दिन इसको छेड़ना भी नहीं है? 60 दिन छेड़ना ही नहीं है, ये तो अपने आप इसका काम ही है, ऊपर से नीचे जाके खाने का, ये वैसे ही एक्ट करेगा। फिर उतारना कैसे है खाद को? वो मैं बताऊंगा अभी, अभी क्या ये तो कच्चा है ना, तो मैं सिस्टम से साथ होगा, अब बढ़ चलते आगे नेक्स्ट स्टेप पर। आइए, कोई प्रभाव सर, कोई प्रभाव डिसाइड ये हो ना तो बेस्ट होगी, ये मेरी उधर देखो वो दिशा देखो, क्योंकि इसमें क्या होता है धूप ज्यादा पड़ती है, इधर भी पड़ेगी इधर ही पड़ेगी, ऐसी होगी ना तो धूप कम पड़ेगी, एक साइड ही पड़ेगी।
आइए। वहाँ से हम अगर गोबर मंगवा रहे हैं उसकी गैस तो पहले निकली होगी सर, गैस निकली नहीं उसका एक पार्ट अपने ये चीजें किसी और लोगों के पास जाएगी तो और मुझे अच्छा लगेगा, कुछ वीडियो बनेगा। आप तो 40 लोग आए, मैं चाहता हूँ कि पूरे लोगों के पास इसकी ऊंचाई है। अब आप देखिए ये छत जो ऊपर से छतवा नीचे जा रहा है, अब ये नीचे नीचे गया तो इसका जो कल्चर है ना देखो बिल्कुल बारीक बारीक होने लगे। अब ये नीचे कचा रहे तो ये अब इसके फुट भी रहेगा और केंचे की संख्या इसमें कल्चर हो गया एक तरह से। क्या हो गया तैयार नहीं हुआ नीचे से? नहीं नहीं तैयार है, थोड़ा बहुत नीचे तो रहेगा, नीचे ऊपर से तैयार हो गया। अब आप देखो सुनो बात को, थोड़ा सा मेरी हर पेट में कैसे ऐसी मिलेंगे आपको। अब बात है कि मैं केंचुए कैसे देता हूँ वो समझो, जो मैंने अभी केंचुए निकाले ना लोग तो सीधा ही इसको ऐसे भरते हैं ऐसे इसके साथ ही। मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ, मैं कम से कम पूरी इंडिया में हर स्टेट में हर यूनिट में गया हूँ वर्मी कंपोस्ट की बड़ी बड़ी यूनिट में, जो बड़ी बड़ी यूनिट चल रही है मैं खुद इसका पहले सर्वे किया है, तो वो लोग सीधा केंचुए कैसे भरते हैं जैसे मैंने ऐसे निकाला भाई क्या इतना। मैं क्या करता हूँ, मेरा तरीका समझता हूँ इस प्रकार से, मैं 100 किलो कैसे निकालूँ कितना निकालूँगा, धूप में डेरी लगाऊंगा, धूप है वह उसकी डेरी बना दी, जैसे धूप पड़ी कैचो का जाएगा नीचे ऊपर से खाद की डेरी खा दूंगा, ऊपर से क्या करूँगा फिर 5 मिनट छोड़ूंगा, फिर कैचो का जाएंगे, फिर मैं 5 ऊपर से वो लेयर खाद कटाऊंगा, फिर 5 मिनट छोड़ूंगा, फिर ऊपर से खाद की लेयर खाऊंगा, इस प्रकार से 4 साइकिल। कितने साइकिल? 4 साइकिल। तो 100 किलो जो मैंने केंचो डाले हैं कितने किलो, उसमें 60 किलो खाद लग गई, कितना किलो? अब मेरे पास 40 किलो बचे, कितने बचे? उसमें प्योर केंचो रहेंगे और थोड़ा बहुत क्या रहेगा, खाद रहेगा, और वो खाद थोड़ा बहुत रहना क्या है जरूरी है। यदि आपने अलग से बिल्कुल मेरे को एक एक अलग करके दे ना तो मैं दूंगा, और आप लोगे ना तो आपके पास घर एक भी नहीं पहुंचेगा, इसलिए केंचुए मेरे देने का तरीका यही है, चाहे कोई छोटा किसान है चाहे कोई मोटा किसान है, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, क्वांटिटी फुल देता हूँ, क्योंकि केंचुए पैदा कौन कर रहा है, अपने आप हो रहे हैं। मैं एक बार लाया था इन्वेस्ट, एक बार किया मेरे को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं मेरे हिसाब से मैं केंचुए किसान को फुल देने की कोशिश करता हूँ। अब एक बार थोड़ा सा इस बेड में और निकालोगे, हाँ एक बार वो निकालो, एक बार तीन बार निकालते हैं, दो भी नहीं, नहीं नहीं वो आप समझे, वो जो मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ से कैच ले जाके, वो तो मैं समझ गया लेकिन इसमें मैं 5 बार अब महीने में कितना तोड़ के सर, पहले 2 महीने इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, उसके बाद में 45 दिन तो इसको छेड़ना ही नहीं, 45 दिन 45 डेज बाद में आप लेयर बना लेयर स्टार्ट करो ऊपर से, जैसे मैंने ऊपर से देखो आप थोड़ा लगे मैंने ऊपर से इस प्रकार से सागर नीचे अब मैं इसको लेयर उतार के मैं इस प्रकार छोड़ूंगा, मानो तैयार है ये, मान लो तैयार है लेकिन केंचुए आ गए, तो क्या करूंगा इस प्रकार से इसको करूंगा ऐसे और इसको छोड़ दूंगा आधे घंटे के लिए, एक घंटे के लिए, एक दिन के लिए, दूसरे दिन फिर इस प्रकार से लेयर उतारूंगा।
दूसरे दिन उसके जो बीच में गैप में पानी देना है उनको कि नहीं नहीं देना उस जिस दिन जब अपने को उतारना स्टार्ट कर दिया उसके बाद में पानी नहीं देना है उससे पहले कितने दिन पहले बंद करना है पानी देना कुछ नहीं आप 40-50 डेज बाद तक पानी लगातार देना है बाद में आप वर्मी कंपोस्ट को हार्वेस्ट करने लगे ना अब आपको पानी देना बंद कर देना क्योंकि नमी बेड में पहले से है अब आप हार्वेस्ट की तरफ जा रहे आप नमी दोगे ना तो आपकी नमी गीला गीला आएगा छनेगा नहीं ठीक है क्या नहीं होगा छनेगा नहीं एक दिन का मात्र एक दिन का भाई मैंने देखो ऐसे किया अब दूसरे दिन तक पूरे कैसे अंदर चल जाएंगे और फिर एक दिन का गैप देना बिल्कुल सब में एक दिन गैप 6 दिन के अंदर आपकी 5 लीटर निकल जाएगी तो हमारी 50 से 55 दिन में आपने कहा वो ये सब कंडीशन डिपेंड करती है टाइम पर आप पहले ये देखना 60 दिन बाद 45 दिन बाद 50 दिन बाद ये देखना खाद तैयार हुआ कि नहीं हुआ अच्छा यदि खाद तैयार हो गया तो पानी देना क्या कर दो और उतारना क्या कर दो बस इस बात को आपके लिए ध्यान रखो हाँ पिन देख रहे पहले 45 दिन इसको हाथ भी नहीं लगाना आपको वो ये तो मैंने क्या इस कल्चर के लिए मैंने इसको स्टार्ट कर दिया लेकिन जब तक आप इसको पूरा हाथ देके देखो बिल्कुल आपको ऊपर से लेकर नीचे तैयार हो गया तब आप उसको पानी देना बंद करो तैयार ये तैयार है कितने साइकिल्स होंगे 4 से 5 साइकिल एक साल में नहीं 4 से 5 साइकिल उतारने में 6 साइकिल 6 दिन में निकालना है 45 डेज कल्चर रहेगा क्या रहेगा उसमें पूरे कैच रहेंगे उसमें अब देखिए आप ये देखिए इसमें से कैचू निकाल दिए हाँ ये पंजा है देखो इसमें कैचू निकाल कैची संख्या छोटी साइज देखो इसकी साइज भाई मैंने कहा इसको पूरा कुछ मिल नहीं रहा खाना ना तो साइज छोटी हुई नहीं ये बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में चलेगी लेकिन ये आखिरी लगभग 2 महीने तक ऐसी जिंदा रहेगी और जैसे इसको आप फ्रेश गोबर में डालोगे ना पूरे के पूरे एकदम शानदार वैसे वैसे एक्टिव हो जाएगी तो ये आखिरी लेयर की खाद हम कैसे उतारे बिना उनको डिस्टर्ब करें कौन सी आखिरी तुम तो तरीका आगे तो सुनो मेरी बात अभी आपके पास ये कल्चर हो गया ये कल्चर है ये कल्चर हो गया बात समझे तो आप इसको क्या करें वैसे अब इसको उठाओ डेयरी बनाओ वो धूप वाली सी हाँ क्या बनाओ धूप वाली सी डेयरी बनाई जैसे डेयरी बनाएगी टेम्परेचर पड़ेगा ऊपर से तापमान कैसे कहा जाएंगे ऊपर से क्या उतारोगे आप दो लेयर उतारते आप खाद तो निकल गया साइड और कैचे का सर आप आखिरी लेयर में ये अप्लाई ये अप्लाई ठीक बात समझ आ रही सर बिल्कुल अब अपन चलेंगे थोड़ा सा आगे किसे किसी को पूछ सकते हो मुझे तो जिस दिन इसको उतारना शुरू करना उससे कितने दिन पहले पानी लगाना बंद करते कुछ दिन जिस दिन उतारना उसी दिन के लिए सुन लो पहले अपन को ये देखना है जैसे 50 दिन तक आप डेली पानी डालो ठीक है फिर आप हाथ डाल के देखो कि खाद तैयार हुआ कि नहीं हुआ मान लो नहीं हो तो 2 दिन पानी और दो 3 दिन पानी और दो और जैसे आपको लगने लगे खाद क्या हो गया तो पानी देना बंद कर दो और 3 दिन तक आप इसको थोड़ी नमी क्या होने दो उड़ने दो थोड़ी नमी उड़ने दो क्योंकि ऊपर से उतारो गीला रहेगा 3 दिन में नमी उड़ जाएगी फिर आपको थोड़ी भुरभुरी होगी क्या होगी भुरभुरी ऐसे इस प्रकार से भुरभुरी होगी तो फिर आप उसके लेयर उतारो फिर पंजे से इसको ऊपर से डीली कर दो फिर दूसरे दिन फिर लेयर उतारो फिर उसमें पंजे से वो डीली करके छोड़ दो उस लेयर के बीच में पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी में एक एक दिन का गैप था उसके बीच में पानी बिल्कुल भी नहीं पानी देने देना पानी सर ये क्योंकि अपन ने ये तो ऐसे किया पानी ला जाओ ये हाइड्रिल बेयर वगैरह के आप आइए आइए एक बार आ जाओ फिर उधर अपन अंदर चलेंगे सभी तरह जाओ एक बार भी आपने ये पौधा 13 महीना पुराना है कितने महीने पुराना है और ये पूरे भारत में कहीं भी लगा दो सागर झील से सबसे खारी सागर वहाँ से लेके पर्वत के ऊपर सागर ये जाड़ी है ये बोर की जाड़ी है कहीं भी लग जाएगी और देखो ये इसको मैंने 7 मई को कब मई को 7 मई को काटी थी मैंने इसको और इसको देखो इतनी शाखाएं निकलती है अब इस पौधे के इस साल
60 किलो फल लगेगा एक बस 15 महीने में 13 महीने में मैं 10 किलो तो फल ले चुका पहले 6 महीने में 13 महीने पहले इस प्रकार का 13 महीने पहले ये इस प्रकार का पौधा था और पौधा 6 महीने का इसके फल लेके फिर इसको काट दिया और इतना बड़ा फिर हो गया यार अब ये लगाते टाइम ऐसा ये पौधा थाईलैंड का है पहले साल कितना फल देता है ये 6 महीने में 10 किलो फल देता है और दूसरे साल 60 किलो और तीसरे साल 1.5 क्विंटल से ऊपर सीधा तीन तीन गुना जमा और 120 रुपए का मिनिमम जाता है ये भाव तो क्या क्वालिटी कितना रेट जाता है 20 रुपए का तो मिनिमम जाता है मंडी मतलब होलसेल के रेट अब आप देखो सब पौधों में खाद से भरपूर कर रखा मैंने इसको कर रखा है ये काजरी ने डेवलप किया था काजरी ये काजरी वाला गोला वैरायटी है सर ये था ये एप्पल बेर ये आप इसे और डेवलप कर पाओगे अब मैं नर्सरी कर रहा हूं आपको बता दूं दिखेंगे भी नहीं कोकून छोटे नहीं बहुत शानदार और मेरे जितने कोकून कहीं होते हैं कोकून का सबसे शानदार टाइम था जनवरी फरवरी मार्च और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के अंदर कोकून सबसे ज्यादा होते हैं उसके बाद में कोकून होते हैं अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तीन महीने में नहीं होते और इस गर्मी वाले महीने में ज्यादा गर्मी हो जाता क्योंकि जितना सर्दी होता उतने उसका रिप्रोडक्शन बढ़ता है आप सब जानते हैं तो जितना ठंड होगी उतना ही रिप्रोडक्शन बढ़ेगा उतनी ही आपकी कल्पना होगी कोकून कैसा होता है मैंने को मिल जाएगा तो मैं आपको जरूर दिखा दूंगा कि मेरे तो आपको अब देखो जैसे 2 मिनट के लिए वाले खाद तैयार हो गया तो आपको भी इस प्रकार खाद है तो आपको इस प्रकार से खुशी से उतार ये एक फिटिंग जगह है ना अब देखो क्या काम आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ साठ दिन हो गए वर्मी कंपोस्ट तैयार हो गया केंचू का अलग कैसे करेंगे केंचू को एक तरीका तो वो हो गया कि पानी देना बंद कर दो केंचू नीचे जाते रहेंगे ऊपर से खाद पहला तरीका तो ये होगा एक मिनट वीडियो बन रहा है दूसरा तरीका देखो कि जो एक फीट की जगह है बीच में इसमें आप कच्चा गोबर डालो वो ठंडा गोबर खाने की तरफ वो ठंडा गोबर कितने कितनी जगह पे डिस्टेंस ये जो एक फीट की जगह है ना लंबी दो इंच लंबी है ना भाई दो बेड देखिए देखो दो बेड के गैप के बीच में वो देखो समझ में आएगा आपको अच्छा जो बीच में जगह है उसमें आपको कच्चा गोबर डाल देना इतना लाइन से बढ़ा इतना लाइन से मतलब आपको केंचु अलग करना यार थोड़ा थोड़ा गोबर उसमें नहीं ये 24 है और फिर आप उस बोरियो को डालो ये ना दो बोरियो डालना तो पूरे पूरे केंचु का भागेंगे कच्चे गोबर ये लो आपका एक समय से ज्यादा केंचु आपको उस प्रकार से दूसरा तरीका कि आप कच्चा गोबर लो क्या लो और इस बेड में इस प्रकार खड्डे करो क्या करो जगह जगह और उस गोबर के गोले बनाओ क्या बनाओ गोले गोबर की बात करूंगा तो वो करूंगा उसके गोले बनाओ और उसमें क्या जगह जगह खड्डे करके डाल दो तो जैसे 3-4 दिन उसको खाना खाने की तलाश में उस सुगंध से अपने आप उसके अंदर आके कोई कितने दिन में 3-4 तीसरा तरीका कि जैसे वो बेड थी क्या थी बेड केंच वाली जो लास्ट में कदर था उसको बाहर धूप में तिरपाल बिछाओ तो पूरे पूरे केंचु खा जाएंगे ऊपर से खाद को इस प्रकार से आप केंचु आराम से अलग कर सकते हैं अब बात करेंगे कि अपने इस केंचु की संख्या को कैसे बढ़ाएं बताया ना आपने धूप के बाद में आपने क्या हटा वो ये है
अब देखो इधर आओ, इधर आओ, थोड़ा इधर आओ सब, अरे पीछे हाथ उसे दे, देखिए मैं इस पर कहां से लगे बताऊंगा साहब, सामने देखो आप देख रहे हो, मैं इसी प्रकार से कर देता हूँ ये, अब इसको मैं इस प्रकार से ऊपर छोड़ कर दूंगा, अब ये आपके पास जो बचेगा ना ये पूरे बंच के अंदर आपका कल्चर हो जाएगा, तो आप जहां से भी कैंसिल लो आप ये याद रखना कि आपके एक किलो में लगभग 1200 से 1500 कैंचे आने चाहिए, लोग आज ऐसा करप्शन हो रहा है कि 400 कैंचे एक किलो में टिकाते हैं बाकी खाट टिकाते हैं और लो भाई 400 रुपए के, मैं जो मेरे अंडर गाइडलाइन में काम करें मैं उनको भी यही कहूंगा कि जितना हो सके प्योरिटी से काम करोगे ना उतना ही काम से ही चलेगा, समझ रहे मतलब ऐसे कि हाँ यार थोड़े कैंचे कम भेज देते हैं, जो एक बार लेके जाएगा ना मैं क्या कह रहा हूँ वो कम से कम इन फ्यूचर आपके पास 20 तो भेजेगा, इसलिए प्योरिटी जहां रहेगी वहां काम शानदार होगा, इस प्रकार से जैसे 60 दिन हुआ खाद को अपने से उतारा साइड में खाद आ गया उस खाद को अपन सीधा लेके जाएंगे वहां पर, इसके ऊपर पैर मत रखना बिल्कुल, चालू करो उसे मोटर भी आ गई, उसका 3.5 किलो इसका वेट है, क्या 3.5 किंटल इसका वेट है, मोटर है, मशीन है, इस पर 27,000 की बनी है। हाँ सर, यदि आप इसको बाजार से लोगे तो लगभग 80-90,000 इसकी कॉस्ट बताएंगे, ये आप जैसे आसपास के लोकल होते हैं ना वही लकड़ वाले तो उसको मॉडल दिखा दे भाई, प्रेशर वाला चालना होना चाहिए वो मोटर को निकल करते हैं, लेकिन मेरे से संपर्क करो जयपुर के, आपने राजस्थान बहुत कम से मेरे संपर्क करेंगे, इसमें 4 mm की कितने की है, 4 mm 4 mm इसका फायदा 4 mm का, 4 mm से मोटी होगी तो वैसे आपको लगेगा कोई, तो आपने डगल डाल दी और मोटे मोटे डाल दिया अच्छा नहीं लगा, चाय कितने में जाएगी, अब छोड़ो आगे ये जो ग्रेड व्रेड की बात होती है ना, ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड, ये जो खाद है ना ये देखो कोई नहीं, ये हद तो खाद ही, तो इसको पीसने वाली मशीन ले आओ, चक्की टाइप की मशीन ले आओ, उससे पीस दो वापस वैसे हो जाएगा, या फिर इसकी वापस दोबारा बेड बढ़ा दो, क्या बढ़ा दो और थोड़ा पानी डालो कैसे डालो तो इसका आधा रिकवरी वापस फिर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और या फिर अपने खुद के कंजम्पशन के लिए काम लो, भाई खुद के पेड़ पौधे हैं उसके लिए काम लो कि न्यूट्रिएंट्स हो के वो है इसके अंदर, उसका काउंट नहीं करता, वो रिसाइकल हम कर सकते हैं,